तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस हम नहा वाली हैं तो और हमने और हमारा आउटफिट है। कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हम कैसा लग रहे हैं। और ये हमारा छोटा, ये नमस्ते करो, हाथ जोड़ो। गाइस हम अब मनसा देवी जा रहे हैं, वो सबसे ऊपर जो आपको मंदिर दिख रहा होगा उसकी हम अभी चढ़ाई करेंगे। हमें तो पता नहीं कितने किलोमीटर है, देखते हैं अभी चढ़ के हमें कैसा लगता है। तो गाइस हम मनसा देवी जा रहे हैं, प्रसाद ले लिया है हमने, सीढ़ी के रास्ते से जा रहे हैं हम, थोड़ा सा कठिन है लेकिन 1 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की जगह पैदल वाला रास्ता 3 किलोमीटर है, जाते हैं हम। अभी हमने बंदरों को चने दिए थे, थोड़ा सा दान पुण्य भी कर लिया जाए हमने सोचा इसलिए। अरे हमारे तो दम निकल गए, चलते चलते बूढ़े हो गए हम, चलना लेन वाले रास्ते से बोल रहे हैं जाओ, हम नहा रहे थे इतनी ऊपर आ गए। ये सीढ़ी अब दिख रहा है हम कितने बुड्ढे हो चुके हैं जवानी में ही। छवि कैसा फील हो रहा सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते? अभी मेरे दांत निकल जाते गाइस, आपको दिखा रहे हैं ऊपर से इतना सुंदर दृश्य है लेकिन हमारे दम निकल चुके, देखेगा पसीने पता चल रहा है कितनी सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई है। गाइस वो है रूपवे का रास्ता, तो हम सीढ़ी के रास्ते हैं, रूपवे के रास्ते नहीं आए। देखिए आप नेहा आगे पहुंच गई, चलो पे तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऊपर मंदिर में, बहुत कठिनाई के द्वारा हम पसीना पसीना हो गया। देखिए अच्छा बताइए कैसा रहा आपका ऊपर माता के दर्शन के लिए? कष्ट तो हर जगह झेलना ही पड़ता है। सही कहा वर्षा ने, कष्ट तो झेलना ही पड़ता है, आखिरकार माता रानी का जो बुलावा आया है कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। अभी हम जूते चप्पल यहाँ रख रहे हैं और ये रहा प्रसाद, चलते हैं माता के दर्शन के लिए। वहाँ फोन अलाउड नहीं होगा, अगर होगा तो आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई मिलते हैं।
मनसा देवी मंदिर की लाइन है, हम लाइन में लगे हैं। क्या बोला तूने? देख रहा था महादेव की तो दन दन कर रही हो, भूल गई थी। वही ना दम सी सीढ़ी पर चढ़ने के बाद तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए माता रानी के, हमें अच्छा लगा हमें मंदिर में जाके। सही दर्शन हो गए हमारे, अभी 11:10 हो रहे हैं। हम आए थे आई थिंक 10 बजे करीब, तो दर्शन सही हो गए, अच्छे अच्छा लगा दर्शन कर गए हमें। हरिद्वार आके भी कहीं थोड़ा कुछ खरीदारी कर ले, हम कुछ फैमिली वैमिली के लिए छोटी के लिए ले ले। आवाज आया वो तुम कहाँ बोलते हैं? हाँ इसकी तो इसकी पंचर है। अब कितना होता है वो कहाँ? वो दो सहेली सीढ़ियों से उतरती हुई जो कि बहुत पीछे रह गई थी। ओहो गाइस देख रहे हैं आप इनके ड्रामे, दोनों के एक जैसी हैं ये। वाव बीच में पटरी है गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। गाइस छोटे के लिए लिया हमने, कैसी लग रही है? कैसी लग रही है गाइस ये छोटी के लिए? बहुत सुंदर गाइस, हमने दर्शन कर लिया, अब जा रहे हैं हम हरिद्वार से चंडी देवी के दर्शन करने। वो वहाँ पर विराजमान है, आप देख रहे होंगे। गाइस कढ़ी चावल खा तो रहे, कैसा टेस्ट है इनका बताना जरा। भूख लग रही थी गाइस तो हमने कड़ी चावल लिया है थोड़ा। और भैया इसमें मिर्च क्यों है कड़ी में इतनी? मैं अभी तक तो सुबह से पता नहीं कितने बंदे खा के जा चुके हैं, किसी ने नहीं बोला, किसी ने कोई कंप्लेंट ही नहीं किया अभी तक, तो हम कितना चेक करते हैं। नॉर्मल मिर्ची आप लोग कम खाते हैं इसीलिए। बैठो जी बैठो, थक चुके हैं हम बहुत ज्यादा। देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है नंबर। मैं तीसरी बार बैठूंगी, ये तो पता नहीं कितनी बार बैठूंगी। देखो 10 बार बैठ रही है। तो गाइस हम जाने वाले हैं ऊपर चंडी देवी मंदिर, तो ये रोप वे की टिकट ले रही हैं दोनों वर्षा और छवि, और हम यहाँ बैठ कर बैठ।
का बच्चा सो गया। तो गाइस हम चंडी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, हम बहुत थक चुके थे तो इसलिए हमने उड़न खटोले के लिए टिकट बुक करी थी, क्योंकि हमारी भी ट्रेन भी है 4 बजे फिर, तो इसी वजह से देखिए कैसे जाएंगे हम अभी। मेरा तो पहली बार होगा, इनका मुझे नहीं पता। मेरा तो इसमें पहली बार होगा, मुझको थोड़ा डर सा भी लगेगा, पता नहीं कैसा लगता होगा इसमें। गए हो कभी? पहली बार है तुम्हारा? मेरा फर्स्ट टाइम, इसका एक तो बार है। चल छुट्टी होगा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे क्या बोला तूने? यार डर सा लग रहा, चक्कर आ गए उस लोन फोन मत गिरा देना बच्चो। गाइस मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, क्या करूं। तो गाय यहाँ की खूबसूरती देखिए आप। कीर्ति हाय, ये जीप क्या निकला है बाहर? वो शर्माती है। ओए कान में कुछ हुआ नहीं तुम्हारे कान में? नहीं यार, थोड़ी सी हुई ना। लाल कर, लाल वाले गाल लाल हो जाएंगे। हाँ हम कोरे हो जाएंगे। वैसा कैसा लगा आपको बैठे? पहली बार हम दोनों बैठे थे, हमें मजा आया। मजा आया काफी, नीचे की सुंदरता को देखो, देखा हमने आपको सुंदरता को देखो। ओ ये जलपरी ये पार्ट, अरे आप कंफ्यूज नहीं हो रहे? कैसा रहा? बहुत अच्छा। हरिद्वार आना कैसा रहा? बहुत मजा आया। शायद हमारे नसीब में लिखा था माता के भी दर्शन करना, नहाना। तो गाइस हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। वो चंडी देवी का मंदिर है आप देख लीजिए। तो गाइस हमारी चंडी देवी के दर्शन हो गए हैं, तो अब हम रोपवे से दोबारा से नीचे उतर रहे हैं, फिर हमारी ट्रेन भी है 4 बजे, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस नीचे देखते हुए बहुत डर लग रहा है अभी हमें, कितना सुंदर नज़ारा आप देख ही सकते हैं। हमारे
दर्शन बहुत अच्छे हुए, चंडी देवी मनसा देवी और गंगा जी भी बहुत अच्छे से नहाया हमने और बहुत एंजॉय किया मैंने हर जगह पर। और हम अब स्टेशन पर आ गए, हम घर पर रिटर्न जा रहे हैं और हम ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वर्षा मेरी टांग दबाएगी घर पर जाकर। मैं तो छू भी सकती हूँ, देखो हम जब बहुत ज़्यादा। गाइस हमारी हरिद्वार की ट्रिप अब समाप्त हो चुकी है, हम मेरठ आ गए हैं और ट्रेन तो हमारी जा ही चुकी है और हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। लटक जाती ट्रेन के साथ, ट्रेन पर जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर। तो यहीं हम ब्लॉग का एंड करते हैं, अब घर जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे बस सोएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कल से हम सोए भी तो नहीं है, दो जने तो सो रहे थे। चलो बाय गाइस, कुकू के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। ये कुकू का ब्लॉग तो था नहीं लेकिन हमारा था, कोई बात नहीं, कुकू नहीं आ पाई थी इसलिए हमने उस ब्लॉग कंटिन्यू किया। चलो बाय गाइस, यहीं ब्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और ना लगे तो अभी आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय गाइस। Welcome to another crime scene. Yeah, get a little bit of